सोलन में स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से गृह रक्षा 11वीं वाहिनी के अधिकारियों व महिला जवानों द्वारा अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत अधिकारियों व महिला जवानों द्वारा सोलन शहर सहित आसपास के सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई की जा रही है। इसी कड़ी में कमांडेंट हरि स्वरूप शर्मा के नेतृत्व में चंबाघाट व आसपास के क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया गया। अभियान में होमगार्ड के अधिकारियों सहित महिला जवानों ने मिलकर साफ सफाई की और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। अभियान में होमगार्ड के 30 से अधिक महिला व पुरुष कर्मियों ने भाग लेकर क्षेत्र की साफ सफाई की। सोलन गृह रक्षा 11वीं वाहिनी के कमांडेंट हरि स्वरूप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह के आयोजन समय समय पर कंपनी व बटालियन स्तर पर किए जाते हैं ताकि प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत का सपना पूरा हो सके। उन्होंने बताया कि महिला जवानों के प्रथम दुराही प्रशिक्षण के दौरान भी सफाई का अभियान चलाया जाता है ताकि जवान जहां रहते हैं उसको और उसके आसपास के क्षेत्र को साफ रखा जाए। गृह रक्षा 11वीं वाहिनी सोलन की जो महिला प्लाटून है उसके रिफ्रेशर कोर्स के दौरान हमने स्वच्छ भारत अभियान के तहत चंबाघाट के इस क्षेत्र में जो मंदिर का इलाका, मंदिर के आसपास का प्रांगण है और फ्रेंड्स कॉलोनी है उसके इर्द गिर्द जो है सफाई अभियान चलाया है और जो रिफ्रेशर में भाग ले रही महिलाएं और पुरुष होमगार्ड्स भी हैं उन्होंने भी साथ मिलकर जो है इसमें और ये हम कायम रखेंगे भी साथ मिलकर जो सफाई अभियान चलाया है इसे जारी रखेंगे। तो जिसकी सफाई अभियान है अगर अन्य जगह जैसे सोलन की बात की जाए सर। बिल्कुल, और अन्य जगह तो करेंगे लेकिन ये जो मंदिर का जो क्षेत्र है ये हमने गोद लिया हुआ है और होमगार्ड की जो 11वीं वाहिनी है गोद लिया हुआ तो समय समय पर यहाँ पर तो हम करते रहते हैं लेकिन इसके अलावा भी अन्य जगह में पहले तो अपना कॉम्प्लेक्स हम साफ रखेंगे उसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी जैसे जैसे समय मिलता रहेगा वैसे हम सफाई अभियान को जारी रखेंगे।